हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग गैलरी। आज मैं आपको ये बहुत ही इजी डोरमेट बनाना दिखाऊंगी। ये रिवर्सिबल डोरमेट है, इसे मैंने 3 कलर के ऊन से बनाया है। आप इसे साड़ी, लेगिंग्स, दुपट्टे, किसी भी चीज़ से बना सकती हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इस डोरमेट को बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर की ऊन ली है, एक सीजर, एक इंच टेप, एक बिग नीडल, एक स्केच पेन और एक कोई भी नॉर्मल ऊन लेंगे हम, और एक कार्डबोर्ड चाहिए। तो चलिए अब हम इस डोरमेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और इधर से भी हम इसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मेरा सेंटर है। अब हम यहां एक एक इंच छोड़कर निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम ये निशान पूरे इस सर्कल में लगा ले। ये मैंने पूरा निशान लगा लिया है। अब ये सर्कल की साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं। आपको जितना बड़ा बनाना है आप बड़ा ले लें। अब हमने जो ये निशान लगाया है इस पे अब हम कटिंग करेंगे। इसी तरह से कटिंग हम इस पूरे सर्कल में कर ले। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इस वाले ऊन से पहले इसमें हम गांठ बना ले। और इसे हम इसमें अब इस तरह से इस मिडिल से इसे बनाएंगे। ये हमें यहीं से इस पे घुमाना है। ये हमारा पीछे इस टाइप का दिखेगा और आगे इस टाइप का। इसी तरह से हम इस ऊन को पूरा इस सर्कल में लगा ले। ऊन को मैंने इसमें पूरा लगा लिया है। अब हम इसमें ये लास्ट वाले को इसमें हम अच्छे से बाइंड कर देंगे ताकि ये निकले नहीं। अब ये हमारा नहीं निकलेगा।
अब हम ग्रीन कलर लेंगे। अब देखिए इसे कैसे बनाना है, ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम ये एक ऊन में से इसे पास करेंगे, फिर एक छोड़ करके हमें दूसरे में इस तरह से करना है। ये हमारा एक बार ऊपर ये ऊन रहेगा और दूसरी बार ये ऊन हमारा नीचे रहेगा। इसी तरह से हमें पूरा बनाना है। ये एक बार हमारा ऊपर रहेगा और एक बार नीचे। तो अब ये हमारा ऊपर है ऊन, तो अब हम दूसरी बार में इस ऊन को नीचे कर देंगे। अब ये हमारा अभी भी ऊपर है, इसे नीचे किया और फिर ये एक ऊपर। हमें हर बार ये एक ऊन छोड़ करके इस ऊन को पास कराना है। अभी ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। इसी तरह से हम पहले ये एक सर्कल यहाँ तक कंप्लीट कर ले। ये मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इस वाले ऊन को कट करके निकाल दें। पहले तो हम इसमें एक बार इसे नॉट कर दें ताकि ये मेरा निकले नहीं, और इस वाले ऊन को जो छोटा वाला पार्ट है उसे हम कट कर दें। अब हम इसमें से थोड़ा सा ग्रीन कलर निकाल ले। और अब हम इसे पूरा इसी तरह से राउंड करेंगे इसमें। अब हमें ये देखना है कि हमने पहले वाले में कौन सा ऊन छोड़ा था। ये देखिए मेरा ये वाला ऊन नीचे है और ये वाला ऊन ऊपर है, तो जो मेरा पहले नीचे था उसे अब हम ऊपर करेंगे और जो ऊपर था उसे नीचे। इसी तरह से हम ये पूरा बनाएंगे। इसी तरह से हम ये पूरा ग्रीन ऊन इसमें हम लगा देंगे सर्कल में। ये मैंने ग्रीन से सर्कल बना लिया है। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। इन दोनों को हमने इसमें टाई कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा ऊन कट कर ले। अब ये मेरा देखिए ये ऊपर साइड है, तो हमारा नेक्स्ट वाला नीचे की तरफ होगा, यानी कि हम इस वाले ऊन को इसके ऊपर से निकालेंगे।
अब ये मेरा ऊपर आ गया है और ये मेरा अब नीचे जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये ऊपर है, तो अब हम यहाँ पे इसे अंदर की तरफ करेंगे। और यहाँ पे ये मेरा ऊपर है, तो इसके हम इसके नीचे से ये इस तरह से हमें एक छोड़ करके बनाना है। इसी तरह से हम व्हाइट कलर की भी राउंड बना लें। ये मैंने व्हाइट की ये राउंड बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम अब ये रेड कलर इसमें लगाएंगे। उसके लिए भी हम पहले इसे बांध लें। और जैसे हमने यहाँ पे बनाया था इन सबको, उसी तरह से इसे भी बनाना है। ये ऊपर साइड है, इसलिए हम इसे अपनी इस बार अंदर कर देंगे। और ये अंदर की तरफ है, इसलिए हम इसे ऊपर करेंगे। अब इसमें आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। ये मैंने रेड कलर पूरा लगा लिया है। अब हम इसमें ये क्रीम कलर लगाएंगे। और इसे हम पूरा क्रीम से ही यहाँ तक बना ले। ये मैंने यहाँ तक ये पूरा व्हाइट बना लिया है। अब हम इसे यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। उसके लिए हम एक नीडल में थ्रेड लगा के इसे हम इस तरह से क्लोज करेंगे। और हम ये दो दो लाइन इसमें इस तरह से लेते हुए क्लोज कर देंगे। सिर्फ हमें दो ही लाइन एक साथ लेनी है, बाकी हमारा निकलेगा नहीं। ये मैंने पूरा इसे अब बांध लिया है एक दूसरे से। सिर्फ हम मैंने ये दो लाइन ही बांधी है। अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे। अब हम इसे इसमें से निकाल लें।
अभी मेरा कार्डबोर्ड और ये अलग हो गया है। अब हम इसे इस तरह से नॉट लगा दें। इस तरह से अब इसे निकलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अभी और अच्छे से फिक्स हो गया है। हम इसी तरह से सारे धागे बांध लें और जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लें। ये मैंने सारे किनारे बांध लिए हैं और उसकी कटिंग कर ली है और अब ये मेरा डोरमैट बनकर बिल्कुल रेडी है। इस डिज़ाइन से मैंने डोरमैट बनाया है। आप इससे थाल पोज भी बना सकते हैं। ये दोनों साइड एक जैसा ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।